और इस समय हम चौड़ा बाजार के पास खड़े हैं और आज हम दिखा रहे हैं स्ट्रीट फूड। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो आपको कुछ खाने का मन करता है, तो अगर लुधियाना शहर में चौड़ा बाजार से आगे आप साबुन बाजार में आ रहे हैं तो जहाँ पर एक दयाल की हट्टी है, स्वीट मेकर हैं, हलवाई हैं, तो वहाँ पर आपको अमृती एक जलेबी का नाम है खाने को मिलेगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि चौड़ा बाजार से जब आगे थोड़ा सा आएंगे तो आपको दयाल दी हट्टी, जो एक बहुत पुरानी दुकान है जहाँ पर वहाँ पर अमृती आज भी मिलती हैं, तो आइए हम कैसे बनती हैं और जहाँ पर क्या क्या यानी कि उसका जायका है तो अभी हम आपको दिखाते हैं। और देखिए ये जलेबी की दुकान बहुत पुरानी है, आज से नहीं। और देखिए उसका रेट भी, आप अगर जलेबी आपने खाना है चौड़े बाजार में आए हैं घूमने के लिए तो थोड़ा सा टर्न कर जाइए आप साबुन बाजार, साबुन बाजार में आपको आगे मिलेगी। और देखिए कैसे तैयार किया जाता है ये, ये जलेबी इसी से बनती है। और ये क्या चीज़ हम आप थोड़ी देर में पूछ कर बताते हैं, ये जायकेदार होती है जलेबी, जो आम लोग नहीं बना सकते, इसको अमृती बोलते हैं, इसको बहुत मेहनत से इसको तैयार करना पड़ता है। हेलो, टिजन होता है तो होजरी में जो व्यापारी लोग आते हैं तो आसपास ही जहाँ पर ठहरते हैं धर्मशाला या होटल में, तो वो जब शॉपिंग करने के लिए या होलसेल मार्केट में जाते हैं तो चौड़ा बाजार से ही होकर जाना पड़ता है। तो चौड़ा बाजार के पास ये जो शॉप है जहाँ पर दयाल दी हट्टी 40-50 साल हो गए जो यहाँ पर चानी बनी हुई है, चीनी है इसके बीच में, और ये उर्द की दाल से बनी हुई है, 50 साल हो गए इनको जहाँ पर ये काम करते हुए। और लुधियाना शहर में सबसे मशहूर दुकान है ये, और आप कहीं भी देखेंगे तो ये ताज़ी जलेबी जो है अमृती है या जलेबी है ताज़ी जो निकालते हैं, और जहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं होजरी वाले ज़रूर जहाँ पर ये जो जायका है लेकर जाते हैं अमृती का, तो ज़्यादा अमृती हो तो इनको पहले ऑर्डर करना पड़ता है तभी मिलती है, लेकिन किलो दो किलो तो जो तैयार कर देते हैं। अच्छा रहती है, देखिए सामने जो हमको दिखाई दे रहा है चौड़ा बाजार का चौक है, सराफा बाजार चौक, और उससे आपको इधर आना पड़ेगा साबुन बाजार की तरफ, और साबुन बाजार से आपको ये जो बाजार है जहाँ पर मिलेगा। ये तो जी है कि अमृती जी किस चीज़ का बनाते हो? ये उड़द की दाल की होती है और घी प्लस सिरप, सिरप बनाया जाता है, ये शुगर का सिरप बना हुआ है, और ये जो इस समय घी है इसमें जो ऑयल है इसमें जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और देखिए ये कैसे ये तैयार करते हैं। उर्द की दाल होती है ये, और इसको जब बनाया जाता है या इसका मैदा वगैरह या जो भी ये तैयार करते हैं इसकी चाइनी वगैरह, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसका रेट भी आपको थोड़ा सा जलेबी से ज़्यादा होता है। और देखिए ये कैसे बनती है, जब भी लुधियाना शहर में आए तो आप दयाल की हट्टी जरूर याद रखना, और जहाँ पर आपको ये अमृती खाने को मिलेगी, ये ताज़ी अमृती बनाते हैं और साथ ही साथ इनका बिक्री होता रहता है। और अभी हमने आपको दिखाया कि दयाल दी हट्टी जो 50 साल हो गए जहाँ पर लुधियाना शहर में अमृती और जलेबी का काम करते हैं, और जहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, और जो लोग व्यापारी लोग आते हैं होजरी का माल खरीदने के लिए तो यहाँ पर ज़रूर अमृती का स्वाद चखते हैं, और ये स्वाद उनका बहुत ही बढ़िया है। जो जलेबी में ये तैयार करने का इनका जो ढंग है वो बिल्कुल ही अलग है, और उस ढंग से ये तैयार करते हैं जो इनका खानदानी पेशा है, जो हलवाई का काम कर रहे हैं, और ये जो यहाँ पर आप स्ट्रीट में जब गुजरेंगे यहाँ से तो आपको ये खाने के लिए अमृती मिलेंगे, और ज़रूर जहाँ पर आएँ और अमृती का स्वाद ज़रूर चखें। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।